अगेन एक्सटेंशन आप देख सकते हो, एक्सटेंशन चल ही रहे हैं। एक मैम अब पंजाब से आई है, अभी फेस नहीं दिखाएंगे। मैम ने कहा जब मेरा वर्क हो जाएगा तब मैं अपना फेस दिखाऊंगी। सो बहुत ही अच्छी बात है, लोग इतनी दूर से आते हैं और हमारा काम देखकर आते हैं। तो थैंक यू सो मच उन सभी को जिन्होंने मेरे काम को पहचाना है कि मेरा काम और लोगों से बेटर है। मैं ये नहीं कहूँगी और लोगों का काम अच्छा है या बुरा है, मैं ये बताना चाहती हूँ जो हम काम करते हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कैसे रखना है। शैम्पू कंडीशनर है, कुछ लोग क्या करते हैं एक्सटेंशन करा लेते हैं शैम्पू कंडीशनर, वो पतंजलि सनसिल्क डव। अगर आप एक्सटेंशन पे ये शैम्पू यूज करोगे तो आपके जो हेयर एक्सटेंशन है वो खराब होंगे ही। तो गाइज प्लीज सेल्फ इट फ्री शैम्पू कंडीशनर जो हम आप लोगों को बताते हैं आप वही यूज करें। तो मैम का भी हेड वॉश हो रहा है, मैं मैम का जो हेयर की क्वालिटी है वो दिखाऊंगी, फिर मैम से रिव्यू भी लूंगी मैम को हमारा काम कैसा लगा। मैम स्पेशली पंजाब से आए हैं तो आप बने रहें और मैं पूरा दिन दिखाऊंगी हमारा पूरा दिन कैसे गया। ऋषभ गया फोन ठीक कराने, आज फादर्स डे है तो उसको अपने पापा को फोन गिफ्ट करना है तो वो आएगा, मैं उससे भी बात कराऊंगी। फिलहाल आप देख सकते हैं टेंशन चल ही रहे हैं, इसका भी रिजल्ट दिखाऊंगी, मैम का भी रिजल्ट दिखाऊंगी जो पंजाब से आए हैं। सो आप देख सकते हैं गाइज, आप देख सकते हो मैम की डेंसिटी बहुत कम है, क्वालिटी बहुत ही लाइट है। मैं आपसे फिर कहना चाहती हूँ जो भी स्मूथनिंग कलर कराएं वो सोच समझ के कराएं। मैम के स्मूथनिंग से बाल खराब हुए थे कम से कम 5 साल पहले अगर बाल जल गए हैं तो आने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि कोई चीज जाने के बाद आनी बहुत मुश्किल हो जाती है, ये आप जानते ही होंगे। सो गाइज मैं बताना चाहती हूँ कलर केमिकल बहुत सोच के कराएं, स्मूथनिंग सोच समझ के अच्छे स्टूडियो से कराएं जिनको नॉलेज हो। आप सस्ते के चक्कर में 1000-1500 के चक्कर में कहीं से भी करा लेते हैं, उससे भी बाल बहुत खराब होते हैं, वो लोकल प्रोडक्ट यूज करते हैं। सो गाइस मैं देखना चाहती हूँ कि आप अपने बालों का केयर करेंगे तभी आगे आपके बाल लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेंगे। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं, मैं आपका रिजल्ट दिखाऊंगी। अभी कलर किया है, कैरेटिन करेंगे, देन सिंचन लगाएंगे, बट आप पहचान नहीं पाओगे कि मैम ने सिंचन लगा रखे हैं, क्योंकि लगाने का जो हमारा तरीका है, आराम से आप हेड वॉश कर सकते हो, आराम से आप लेट सकते हो। जो लोग बोलते हैं कि मैं एक्सटेंशन से सो सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं या हेयरडू कर सकते हैं, तो गाइस देख सकते हैं मैं रोज हेयरडू बनाती हूँ, कुछ ना कुछ स्टाइल करती ही रहती हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैम का रिजल्ट मैं दिखाऊंगी और बहुत ही अच्छा लगेगा, आप देख सकते हैं। सो गाइस मैम के एक्सटेंशन हो चुके हैं, आप देख सकते हो मेरा मैंने आफ्टर बिफोर आपको बहुत सारे एक्सटेंशन दिखाए हैं। आप ये देखो मैम के हेयर इतने हैं, मतलब बहुत छोटे हेयर होने के बाद मैम ने लगाए हैं, इतने इंचेस लगवाए हैं। आप ये देखो कोई पैच नहीं है, अगर आपको सोने में हेड वॉश में कंघी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। वैसे मैंने हर वीडियो में आपको बताया हुआ है कि हेयर एक्सटेंशन की केयर आपको कैसे करनी है। अब आप देखिए आप चोटी भी बना सकते हो तो भी आप नहीं बता सकते कि मैम के हेयर कौन से हैं और एक्सटेंशन कौन से हैं। एक सेल्फ फ्री शैम्पू कंडीशनर हम आपको बोलते हैं, सिर्फ हेयर एक्सटेंशन का सिर्फ एक ही वो है कि आपको शैम्पू कंडीशनर जो हम बताएं वो यूज करना है। अदरवाइज इन बालों में आप सब कुछ कर सकते हो, कर्ल्स कर सकते हो, कलर कर सकते हो, कैरेटिन कर सकते हो, एवरीथिंग जो आपका दिल हो वो कर सकते हो। तो गाइज आप रिजल्ट देख सकते हो, मैच करते हैं फेस का गर्दन से मैच करने के लिए आपको गर्दन मैच करना पड़ता है फेस से, वही वाली बात है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैम पंजाब से आए थे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, मैम की डेंसिटी बहुत कम थी, स्कैल्प बहुत कम थी, तो हमने बताया भी है, मैंने इनको ये भी बताया कि आप पीआरपी भी ऑप्शन लेके चल सकते हो। अगर मैम पीआरपी कराती है टाइम टू टाइम और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, स्कैल्प पे अगर आपके बाल थे तो पीआरपी से आ सकते हैं। हेयर एक्सटेंशन तब वर्क करता जब आपके स्कैल्प हो, अगर बाल ही नहीं होंगे तो आप पीआरपी भी कैसे कराओगे या फिर आप हेयर एक्सटेंशन भी कैसे कराओगे। पीआरपी से बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैंने खुद ने भी पर्सनली कराई हुई है। तो जो भी लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है स्कैल्प की तो पीआरपी भी करा सकते हैं। तो आप मैम का रिजल्ट देख ही सकते हैं, आप बता ही नहीं सकते एक्सटेंशन कौन से हैं और मैम के ओरिजिनल हेयर कौन से हैं, और वो ओरिजिनल लुक भी दे रहा है क्योंकि मैम ने जो लेंथ चॉइस की है वो ठीक चॉइस की है, ज्यादा लॉन्ग नहीं की, जिससे कि पैच भी नहीं है और बिल्कुल ओरिजिनल लुक दे रहा है। तो आप मैम चोटी भी बनाएंगी या कोई भी हेयरडू करती हैं उसमें मैम को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पूछते हैं मैम से कि मैम को हमारा वर्क कैसा लगा, तो बताएं मैम कैसा लगा। हेलो, हाँ जी बहुत अच्छा लगा बहुत नेचुरल से लुक दे रहे हैं मैम, थैंक यू। और मैम साल भर से हमें फॉलो कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, तो आप देख सकते हैं
पास आज आपको मेकअप का भी लुक दिखाएंगे। मैम के काफ़ी अच्छे हेयर हैं सो आप देख सकते हैं। ये है कैराटिन, ये भी कैराटिन, ड्राई है, स्मूथिंग करने जा रहे हैं। बहुत क्वालिटी बालों की, बहुत ड्राई है एंड वाइट बाल बहुत है। गाइस इनकी लुक देख सकते हो, बहुत ही अच्छी लग रही है। दुरानी जिठानिया, हाय जिठानी, हाय दुरानी। सो गाइस हेयर एक्सटेंशन भी फ्री हो चुके हैं, शाम हो चुकी है, घर जाने का टाइम हो चुका है, मेकअप भी डन हो चुके हैं और ऋषभ भी घर से आ गए हैं, तो देख सकते हैं मेकअप। इनकी ड्रेस बहुत अच्छी है, मैम को देख सकते हैं, मैम बहुत अच्छी लग रही है और ऋषभ भी आ चुका है मेकअप से। सो आज फादर्स डे था, मेरे पापा नहीं है तो मेरी तरफ से सभी को हैप्पी फादर्स डे और सब खुश रहे। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें डीएम कर सकते हैं और बने रहे हमारी सारी वीडियो में तो आप देख सकते हैं।